इडिटोरिया के करंट अफेयर में आप लोगों का स्वागत है। ये है सेट नंबर 2। यदि इसके पहले सेट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, 25 सेट है और ये है सेट नंबर 2। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? इसका सही आंसर है 30%। लोकसभा के सांसदों में एक बिल पारित किया गया था जिसमें एक वर्ष तक उनके वेतन की कटौती 30% तक की जाने का की जाएगी। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच में किसान रेल चलाई गई है। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कपास उत्पादन के लिए सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा में अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप पर प्रतिबंध किया जा चुका है, वह धारा कौन सी है, किस धारा के तहत? इसका सही आंसर होगा 69A के तहत चीनी ऐप 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया गया है भारत में। किस राज्य सरकार ने COVID-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की। यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन करिएगा, वहां आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश डी। जून 2020 माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? इसका सही आंसर होगा बी, आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन चुने गए। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? 150 अधिक लाइकेन प्रजाति किस राज्य में लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, उत्तराखंड में लाइकेन प्रजाति के साथ भारत में पहला लीचेन पार्क की स्थापना की गई है। किस भारतीय अर्थशास्त्र को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है अमृत सेन। अमृत सेन को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 36वां एशियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया? इसका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम ने 2020 का एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में भी हाल ही में भारत का पहला योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा नासा। नासा ने अभी हाल ही में अपने अंतरिक्ष एजेंसी मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ई पंचायत में अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? इसका सही आंसर होगा एवरी एक्शन
काउंट। 20 जून को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस की थीम थी एवरी एक्शन काउंट। इनवेंसिबल ए ट्रिब्यूट ऑफ ए मनोहर पारिकर पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है तरुण विजय के द्वारा ए ट्रिब्यूट मनोहर पारिकर पुस्तक लिखी गई है। कोनेरियो हम्पी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है शतरंज। बी शतरंज खिलाड़ी हैं कैनेडी हम्पी। किस राज्य ने बंदे उत्कल जननी की राजगीत का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। विश्व 2020 में किस राज्य ने प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ए किरण पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के कप्तान भी हैं। जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है ईरान। ईरान में भी होर्मुज शांति पहल की शुरुआत की गई है। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है भारत। 2023 में हॉकी पुरुष विश्व कप भारत में आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में जीवित पाल कला संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति को संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर डी होगा। किस भारतीय हवाई अड्डे का देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? यह दिल्ली कैबिनेट। आंसर इज ए। देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है ए उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा भारत और इंग्लैंड। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक पारित कर दिया? इसका सही आंसर होगा डी 24 सप्ताह। पहले यह 20 सप्ताह थी, अब इसके बाद 24 सप्ताह। गर्भपात के दौरान महिला अब 24 सप्ताह तक छुट्टी ले सकती है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है आयरिंग। भारत की पहली किसान रेल परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया? इसका सही आंसर है देवलाली से दानापुर। आंसर इज सी। वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल के महिला उम्मीदवार के रूप में चुना गया? इसका सही आंसर है कमला हैरिस। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा सी इंदौर। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए ब्रिटेन।
लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है मुस्तफा अदीब। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका सही आंसर है भारत। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है वन अरेंज्ड मर्डर। किस राज्य भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? असम। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु तीनों देश द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है, निम्न में से कौन से देश उसमें शामिल नहीं है? उसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इसमें शामिल है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? गुजरात। हाल ही में अरब देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बड़ाकाह का परिचालन शुरू किया है संयुक्त राज्य अमीरात। कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्य विशेष समिति का गठन किया गया? केवी कामत। कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त संपत्ति से निपटने के लिए RBI द्वारा एक 5 सदस्यीय अध्यक्षता का गठन किया गया है, केवी कामत। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियां की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी के लिए 100% आरक्षित कर दिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? असम। अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा अशोक लवासा। पुस्तक नेशनल सिक्रेटरी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई है नेशनल सिक्रेटरी चैलेंज, जो कि थल सेना के प्रमुख है। हाल ही में चर्चा में रहा बोडा जनजाति संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ए उड़ीसा। कलसा बुंडरू बांध परियोजना किस दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? कर्नाटक और गोवा। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। और इसका PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।